भारत की आबादी में हर सातवां व्यक्ति मुसलमान है, लेकिन देश के किसी भी स्टेट या यूटी का मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं है। भारत में 2023 तक मुस्लिम आबादी 19 करोड़ 75 लाख होने का अनुमान लोकसभा में स्मृति ईरानी ने दिया था, जो लगभग भारत की कुल आबादी का 15% है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के कैबिनेट में 76 मंत्री मिलकर केंद्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में भाजपा के कुल 394 सांसद हैं। पूरे देश में कुल 1379 विधायक हैं, लेकिन उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई सदस्य मुस्लिम नहीं बचा है। संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा में 245 कुल सांसदों में बीजेपी के 91 सांसद हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है। भाजपा की सबका साथ सबका विकास की दलील से हम सभी परिचित हैं, लेकिन सवाल है क्या मुस्लिम भी इस विकास में शामिल हैं? भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का महत्व है। आप पास मंदा जाते हैं, लेकिन क्या मुसलमान सिर्फ एक वोटर बनकर रह गया? ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस भी लोकसभा सीट पर 20-25% मुस्लिम वोट होता है, वहां मुस्लिम किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। बावजूद इसके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं, इनमें मुस्लिम सांसदों की संख्या मात्र 27 है। ये संख्या सबसे कम 2014 के आम चुनाव में थी, मात्र 22। अगर बात की जाए सबसे अधिक सांसद कब थे, तो आपको एक लंबा सफर तय करके चलना पड़ेगा 44 साल पहले 1980 में। उस वक्त सबसे अधिक 49 मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए थे। सत्ताधारी भाजपा के अलायंस एनडीए के खेमे में देखने जाएं तो पिछले चुनाव में उसके 303 सांसदों में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम जीतकर सांसद पहुंचे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में आजादी की लड़ाई में कितने मुसलमान शामिल थे, इसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे और बात करेंगे भारत की राजनीति में घट रही मुसलमानों की भागीदारी की, राष्ट्र के निर्माण में मुसलमानों के योगदान की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आजादी के बाद कई उतार चढ़ाव आए, देश ने कई सांप्रदायिक दंगे देखे, तो पिछड़ी जातियों को सत्ता संभालते भी देखा। इस यात्रा के दौरान देश ने बेसहारा मुसलमानों को विकास करते देखा, और सिर्फ विकास और तरक्की ही नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी करते हुए भी देखा है। मौलाना आजाद जहां स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, वहीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमान भी हुए, जिनमें बरकतुल्लाह खान, अब्दुल रहमान अंतुले, अनवरा तैमूर, अब्दुल गफूर, मोहम्मद कोया, एम फारूकी, शेख अब्दुल्लाह फारूक अब्दुल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला आदि के नाम शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों ने क्या भूमिका निभाई, वह सबके सामने है, जिसके चलते आज़ादी के समय जो सोच बनी थी उसको नुकसान होना शुरू हो गया। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमान अपनी नागरिकता साबित करने के लिए यहाँ से वहाँ कागजात तलाशते बनवाते फिर रहे हैं। इसी सोच को और नुकसान पहुंचाने के लिए सत्तारूढ़ दल को एक ऐसे दल की जरूरत है जिसका हवा बहुसंख्यक तबके के सामने पेश किया जा सके। सत्तारूढ़ दल के लिए यह काम असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी एमीम बखूबी अंजाम दे रही है। ओवैसी मुसलमानों को उनके अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है उससे देश के मुसलमानों का और नुकसान ही हो रहा है। इस वक्त देश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें ऐसा दोबारा होता नजर नहीं आ रहा, और इसके लिए मुस्लिम नेतृत्व और सत्तारूढ़ नेतृत्व ही जिम्मेदार है। जो आंकड़े आपको वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिए और आगे देने जा रहा हूं, वो आपकी आंखें खोल देंगे। भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 47% मुसलमान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहता है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हर 5 में से एक व्यक्ति मुसलमान है। भाजपा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान को एक भी टिकट दिए बगैर 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। उत्तर प्रदेश सहित देश के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में भाजपा का एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4,07,00,000 मुसलमान, जो यूपी की कुल आबादी का 19.3% है। पश्चिम बंगाल में 3 करोड़, जो बंगाल की कुल आबादी का 27% है। बिहार में 1,75,00,000, जो बिहार की कुल आबादी का 16% है। इन्हीं राज्यों से सर्वाधिक मुस्लिम सांसद चुनकर सदन में पहुंचते हैं, लेकिन एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आजाद भारत का पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था, तब देश की कुल आबादी में मुसलमानों की भागीदारी 10% थी। उस वक्त लोकसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व था 4%।
2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त देश में मुस्लिमों की आबादी 10 से बढ़कर हो गई 15%, लेकिन इस दौरान लोकसभा में उनकी भागीदारी सिर्फ 0.9% ही बढ़ सकी। फिलहाल लोकसभा में मात्र 4.9% ही मुस्लिम सांसद उपस्थित हैं। देश में कुल 28 राज्यपाल हैं, इनमें से सिर्फ एक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम हैं, जिन्हें केरल की कमान सौंपी गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक मौजूदा दौर में मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार के पास कुल 87 सचिव हैं, यानी सेक्रेटरी हैं, जिनमें से केवल 2 मुसलमान हैं। देश के 11 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी राज्य में भाजपा ने एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया। यूपी के 52 मंत्रियों की कैबिनेट में सिर्फ दानिश आजाद को जगह मिली है, वो भी इसलिए कि ये महाशय 6 साल तक ABVP में काम कर चुके हैं और मुस्लिमों में RSS और BJP का माहौल बनाते रहे हैं। असम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुसलमानों की आबादी 28% है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही सरकार ने एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया है। सवाल यह है, आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों के लिए क्या बदला है? गुजरात में करीब 11% मुस्लिम वोटर्स हैं और 1 दर्जन सीटों पर ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक विधायक है जो कांग्रेस से है। वहां भाजपा की सरकार में कुल 23 मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी गई है। इन आंकड़ों से पता तो ये चलता है कि BJP को मुस्लिम वोटर की जरूरत है ही नहीं, लेकिन क्या ये सच है? 1999 में जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार गिरी थी, तब भाजपा नेता बलबीर पुंज ने कहा था, मुसलमानों के पास वीटो है, वो तय करते हैं कि भारत में कौन राज करेगा कौन नहीं। 2014 के बाद भाजपा उन मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीतने में कामयाब हुई है जिसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों ने कभी सोचा भी नहीं था। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, बावजूद इसके वो देवबंद, मुरादाबाद नगर, कांट और रुदौली जैसी सीटों को जीतने में सफल हुई, जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लड़ने वाले सैकड़ों और हजारों भारतीय मुसलमानों के नाम गिनाना संभव नहीं है, लेकिन आज का दौर मूर्खता का दौर है। यह अंधविश्वास अविश्वास का दौर है, यह अंधकार का सीजन है, यह निराशा से भरी सर्दी है। आज हिंदूवादी ताकतें सत्ता में विराजमान हैं, जो भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना को उलटने पर आमादा हैं। इन ताकतों का लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करना है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब सैकड़ों और हजारों भारतीयों को भारतीय मुसलमानों के एंटी नेशनलिस्ट होने के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सांप्रदायिक पढ़ाई कराई जा रही होगी। इतिहास को अच्छे से पढ़ने वाला या बस पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय मुसलमानों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में एक शानदार भूमिका निभाई, बल्कि अंग्रेजों को भगाने के संघर्ष की वेदी पर खुशी खुशी अपना जीवन लगा दिया। 1857 की क्रांति कौन भूल सकता है? ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदुओं और मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। ये मुस्लिम समुदाय था जिसे खुद अंग्रेजों ने इस आंदोलन के मास्टरमाइंड के रूप में चुना था। दिल्ली के मुसलमानों के लिए जो विद्रोह का केंद्र था, जो त्रासदी हुई वो भीषण भयावह थी। कुछ अमीर परिवारों को छोड़कर सभी मुसलमानों को वाल्ड सिटी से बाहर निकाल दिया गया और नवंबर 1859 तक वे शहर नहीं लौट सके। मुस्लिम दरगाहों को अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए अपमानित किया, अपवित्र किया। अंग्रेज जामा मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे तो अकबराबादी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था। फतेहपुरी मस्जिद को ब्रिटिश समर्थक लाला चुन्नामल को बेच दिया गया और जीनत उल मस्जिद को बेकरी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब विद्रोह की आग ठंडी हो ही रही थी। अंग्रेजों को आभास हो चुका था भविष्य में उठने वाली उस क्रांति के बारे में जो हिंदुओं और मुसलमानों के मिले जुले प्रयासों से होने जा रही थी। 1905-23 सितंबर को कलकत्ता के हिंदू मुस्लिम छात्रों ने एक साथ मार्च किया और 10,000 की मजबूत रैली का आयोजन किया, जहां मुस्लिम स्वदेशी अब्दुल रसूल ने घोषणा की, हम यहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मातृभूमि बंगाल के हैं। हुगली में वंदे मातरम और अल्लाह अकबर के नारे साथ साथ लगाए गए। 1906 की महान ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल के दौरान अबुल हुसैन और लियाकत अली अत्यंत प्रमुख आंदोलनकारी थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारत में जन राजनीति के युग की शुरुआत हुई, मुसलमानों की भागीदारी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहनियाल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामी कुमारानंद के साथ पेश किया था।
बीटी रणदिवे ने सोशल साइंटिस्ट पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में दर्ज किया है कि ये गांधी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। 1920 में ताशकंद में बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्र में मुख्य रूप से मुस्लिम हिजरत शामिल थे। कांग्रेस के भीतर भी महान व्यक्तित्व जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सच्चे मुस्लिम नेताओं की कोई कमी नहीं थी। सितंबर 1926 में खान ने खुदाई खिदमतगारों की स्थापना की, जो एक भारी पश्तून वाहिनी थी जिसकी सदस्यता हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए भी खुली थी। इसके सदस्यों को रेड शर्ट भी कहा जाता था, लेकिन फासीवादी काली शर्ट और आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफेद शर्ट के विपरीत उनके पास कोई हथियार नहीं था, एक लाठी भी नहीं थी। उन्होंने केवल शांति, एकता और अहिंसा का संदेश फैलाया। नमक सत्याग्रह के दौरान खान सबसे अधिक सक्रिय हो गए थे, यहां तक कि भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भी शहीद अशफाक उल्ला खान कुर्बानी से ओतप्रोत है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में अपना जीवन त्याग दिया था। जय हिंद के देशभक्ति के नारे को जैन उल अबिदीन लियास आबिद हसन ने लोकप्रिय बनाया था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी और INA के एक अधिकारी थे। अंत में उन सैकड़ों और हजारों भारतीय मुसलमानों के नाम गिनाना असंभव है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इस दावे की सत्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें से कई ने भारत में रहना पसंद किया, जिसे वे अपना एकमात्र घर मानते थे। भारत उनका घर बना हुआ है और हमेशा रहेगा, चाहे हिंदुत्व की ताकतें इतिहास को फिर से लिखने की कितनी भी कोशिश कर लें। मुसलमानों को आज जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जा रहा है, उस पे आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।